हेलो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ एनी इरेशनल नंबर हम तीन रैशनल नंबर्स लेंगे एक जिसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इरेशनल होंगे एक जिसके दोनों डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर नंबर्स होंगे एंड इरेशनल रूट्स होंगे और हम तीसरा लेंगे जिसके ऊपर न्यूमेरिकल जो होगा उसका ऊपर वाला न्यूमरेटर मतलब वो होगा हमारा रैशनल और हमारा डिनोमिनेटर होगा इरेशनल सबसे पहले हम इसी टाइप के नंबर से शुरुआत करेंगे जिसमें हमारा न्यूमरेटर रैशनल होगा और डिनोमिनेटर इरेशनल तो शुरुआत करेंगे न्यूमे न्यूमरेटर नु, होगा हमारा रैशनल डिनोमिनेटर होगा इरेशनल तो सिक्स मैंने एक एग्जाम्पल लिया है सिक्स अपॉन थ्री प्लस रूट सेवन अब इसको हम रैशनलाइज कैसे करेंगे सबसे पहले हम जो डिनोमिनेटर में नंबर है थ्री प्लस रूट सेवन थ्री प्लस रूट सेवन थ्री प्लस रूट सेवन को हम मल्टीप्लाई करेंगे थ्री माइनस रूट सेवन से इससे हमारी प्रॉपर्टी लग जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी जो कि होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इससे हमारा ये आ जाएगा थ्री स्क्वायर माइनस रूट सेवन होल स्क्वायर तो इससे आ जाएगा है, थ्री थ्री नाइन माइनस सेवन नाइन माइनस सेवन इट्स टू सो, अब हमें यही चीज यहां पे करनी है ताकि हमारे डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो जाए और ताकि हमारे फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज ना हो हमें इसके लिए क्या करना होगा इक्विवेलेंट बनाना पड़ेगा फ्रैक्शन यानी जीरो पॉइंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें इसको थ्री माइनस रूट सेवन अपॉन थ्री माइनस रूट सेवन थ्री माइनस रूट सेवन थ्री माइनस रूट सेवन बेसिकली वन होगा क्योंकि तो इसका मतलब हमारे इस इक्वेशन की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं चेंज होने वाली है और हमारा ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज भी हो जाएगा तो अब हमने नीचे का तो पहले से ही सॉल्यूशन निकाल लिया था ऊपर का कैसे हो जाएगा सिक्स थ्री माइनस रूट सेवन अपॉन टू टू वन सा थ्री माइनस रूट सेवन सो थ्री थ्री जन नाइन माइनस थ्री रूट सेवन सो ये देखिए अब हमारा न्यूमरेटर इरेशनल बन गया है तो डिनोमिनेटर मेनली हमारी कंडीशन क्या होती है कि डिनोमिनेटर इरेशनल नहीं होना चाहिए हमारे पास डिनोमिनेटर वन है जो कि इेशनल नहीं है तो अब हम अब हम देखेंगे जिसमें न्यूमरेटर भी इरेशनल होगा और डिनोमिनेटर भी इेशनल होगा और दोनों नंबर स्क्वायर रूट इशनल इनलोमेटर ऑल्सो इेशनल एंड बोथ नंबर मैंने एग्जाम्पल लिया है रूट ट्वेंटी सेवन अपॉन रूट ट्वेल्व ये दोनों दोनों नंबर हैं और दोनों इ रेशनल भी हैं तो हमें इसके लिए भी वही सेम मेथड करना है हम पहले रूट ट्वेल्व देखेंगे सो रूट ट्वेल्व इन टू रूट ट्वेल्व करेंगे हम क्योंकि इसमें सिंपल है तो हमें ना प्लस के साइन की जरूरत ना माइनस के साइन की जरूरत रूट ट्वेल्व इंटू रूट ट्वेल सिंपली ट्वेल्व हो जाएगा तो ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे इक्वेवेलेंट बनाने के लिए रूट ट्वेल्व बोथ में मल्टीप्लाई करेंगे ये मल्टीप्लाई हो गया है अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा रूट ट्वेंटी सेवन इंटू रूट ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व हमारे पास एक आइडेंटिटी है रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए इंटू बी तो हम उसका यहाँ पे यूज़ करेंगे उससे हो जाएगा रूट ट्वेंटी सेवन इंटू ट्वेल्व अपॉन ट्वेल्व अब हम ट्वेंटी सेवन है थ्री क्यूब तो थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री एंड ट्वेल्व है फोर थ्री ज ट्वेल्व सो थ्री एंड फोर होता है टू 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 स्क्वायर यानी अब हमने इन सब के प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए तो आप देख सकते हैं थ्री स्क्वायर थ्री स्क्वायर टू स्क्वायर अपॉन ट्वेल्व सो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा थ्री इंटू थ्री इंटू टू अपॉन ट्वेल्व अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनलाइज आंसर आ जाएगा थ्री बाय टू तो ये था एक और ट्रिक अब हम देखेंगे अगर हमारा न्यूमरेटर इरेशनल हो और डिनोमिनेटर भी इरेशनल हो और वे दोनों सिर्फ नंबर्स ही ना हो ये वाले नॉर्मल ना हो नंबर्स उसमें अलग से हो जैसे पहले वाले में थ, था जैसे थ्री प्लस रूट सेवन वैसे उसमें भी हो तो वो भी हम देखेंगे बहुत इरेशनल न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जिसमें दोनों इरेशनल होंगे तो मैंने एक बहुत ज्यादा सिंपल एग्जाम्पल लिया है टू प्लस रूट थ्री टू माइनस रूट थ्री इसका अगर हम साइड में करेंगे तो क्या आएगा हम साइड में करके देखते हैं टू माइनस रूट थ्री माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा टू प्लस रूट थ्री अब इसकी वही आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी ए प्लस बी इज़ इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये बन जाएगा टू स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस नहीं माइनस प्लस तो अगर ये दोनों प्लस होते तो प्लस बनता अगर एक माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं इस बात का ध्यान रखना रूट थ्री स्क्वायर तो ये हो जाएगा हमारा टू स्क्वायर फोर माइनस थ्री सो फोर माइनस थ्री वन सो इससे हमें पता लगता है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू प्लस रूट थ्री तो अब हम करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा वन और हमारा टू प्लस रूट थ्री एंड टू प्लस रूट थ्री है तो टू प्लस रूट थ्री एंड टू प्लस रूट थ्री अब फिर से हम आइडेंटिटी लगाएंगे ए प्लस बी ए प्लस बी सो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओके क्लियर और फिर उसके बाद अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने से क्या आ जाएगा ए स्क्वायर यानी टू स्क्वायर प्लस रूट थ्री होल स्क्वायर सो टू स्क्वायर इज फोर प्लस थ्री फोर प्लस थ्री इज सेवन सो सिंपली टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू माइनस रूट थ्री को जब हम रैशनलाइज करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा सेवन अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इससे रिलेटेड अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हमारा नोमिनेटर रैशनल होगा और डिनोमिनेटर इेशनल होगा फर्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम नाइन अपॉन सिक्स प्लस रूट सेवन तो अब हमने पिछली बार किया था तो सिक्स प्लस रूट सेवन है तो हम क्या लेंगे हम लेंगे सिक्स माइनस रूट सेवन है ना कितना आसान ऐसे ही कर, कर के हम कितने भी एग्जाम्पल तो हम कर सकते हैं सिक्स माइनस रूट सेवन लिया हमने इसको हम ब्रैकेट में ले लेंगे सिक्स माइनस रूट सेवन अपॉन सिक्स स्क्वायर थर्टी सिक्स प्लस माइनस माइनस रूट सेवन इंटू रूट सेवन सेवन सो नाइन सिक्सा फिफ्टी फोर माइनस नाइन रूट सेवन अपॉन थर्टी सिक्स माइनस सेवन ट्वेंटी नाइन एंड दैट्स ऑल अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे जो कि हम किस कोई भी एग्जांपल ले, ले लेते हैं मैं भी एक रैंडम एग्जांपल ले, ले लेता हूँ मैंने वो एग्जांपल अभी तक ट्राई भी नहीं किया है रैंडम एग्जाम्पल बताई है तो सोल्यूशन निकालना तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है इसके लिए हमें क्या करना है नीचे वाले डिजिट को देखना है माइनस है कि प्लस है ये देखना है अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस बना देना है तो टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू प्लस रूट थ्री ये क्यों करना है क्योंकि इक्विवेलेंट बनाना है हमें इसके बाद हमें बस सॉल्व करते जाना है टू प्लस रूट थ्री अपॉन टू स्क्वायर टू स्क्वायर होता है फोर प्लस माइनस माइनस रूट थ्री रूट थ्री होल स्क्वायर थ्री सो ये हो जाएगा हमारा एट टू प्लस रूट थ्री अपॉन वन सो एट टू दिक्सटीन प्लस एट रूट थ्री सो ये हमारा सॉल्यूशन निकल गया था ना फ्रेंड्स कितना आसान ऐसे ही करके हम कितने भी हमें क्वेश्चंस दे दिए जाए हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और मार्क्स स्कोर कर सकते हैं तो अब हम इतने एग्ज़ाम्पल्स बहुत है इसके लिए मैं आपको लास्ट में जाने से पहले कुछ होमवर्क क्वेश्चन दूंगा आप पक्का ट्राई करिएगा और अब हम शुरू शुरू करेंगे जिसमें हमारे बहुत नंबर्स होंगे और इर रैशनल नंबर ले लिया है जिस जिसमें दोनों नंबर्स हैं और दोनों इ नंबर्स हैं अब हम इस रेंडम नंबर को रैशनल बनाएंगे रूटिंग मेथड से रैशनलाइजेशन मतलब अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे हंड्रेड है नीचे तो हम ऊपर भी रूट हंड्रेड बाई हंड्रेड से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ये मैंने मल्टीप्लाई करने के बाद रूट सिक्सटी फोर इंटू रूट हंड्रेड अपॉन हंड्रेड सो रूट सिक्सटी फोर इंटू हंड्रेड अपॉन हंड्रेड क्यों होगा ये क्योंकि रूट ए पॉइंट रूट बी इज इक्वल्स टू रूट ए पॉइंट बी पॉइंट बेसिकली मल्टीप्लाई का साइन होता है जब एक्सपोनेंट exponen, एक्सपोनेंट्स है पॉलिन में ये मल्टीप्लाई का साइन पॉइंट में बदल जाता है और कुछ नहीं होता पॉइंट अब ये बन जाएगा अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फोर इंटू फाइव इंटू फाइव ये मैंने फा, प्राइम फैक्टर है प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं और नीचे तो हमारा हंड्रेड ही था अब एक एक बाहर निकाल लेंगे फोर इंटू फोर इंटू फाइव अपॉन हंड्रेड इसको फाइव से करेंगे ट्वेंटी हो जाएगा इसको वन से करेंगे फाइव हो जाएगा सो so, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा फोर बाय फाइव तो देखिए कितना आसान था अब हम एक और एग्ज़ाम्पल लेंगे तो अब हम यहाँ पे दूसरा एग्ज़ाम्पल लेंगे यह मेरा सेकंड एग्ज़ाम्पल जो है रूट वन ट्वेंटी फाइव अपॉन रूट एटीन तो अब हम देखते हैं इसको करके वन ट्वेंटी फाइव रूट एटीन है तो मल्टीप्लाई भी एटीन से हो जाएगा सो रूट एटीन अपॉन रूट एटीन सो तो अब हम इसमें सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लेंगे एक साथ वन ट्वेंटी फाइव रूट एटीन अपॉन एटीन जो कि हो जाएगा रूट वन ट्वेंटी फाइव इंटू एटीन यहाँ पर प्रॉपर्टी मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप पेपर में एग्जाम दे रहे होंगे तो इसके मार्क्स कट सकते हैं आइडेंटिटी मेंशन ना करने के इसीलिए आइडेंटिटी मेंशन करना मस्ट होता है और अब इसके बाद आगे रूट वन ट्वेंटी फाइव इंटू एटीन हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 125 ट्वेंटी हो जाएंगे फाइव इंटू फाइव इंटू फाइव और इसके हो जाएंगे थ्री इंटू थ्री इंटू टू अब हमारे पास अपॉन एटीन अब इन दोनों का पेयर है और इन दोनों का पेयर है इसके अलावा ये और ये पेयर में नहीं है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे जो पेयर में है उनको बाहर निकालेंगे फाइव इंटू थ्री और रूट में जो पेयर में नहीं थे उनको रख लेंगे अपॉन एटीन सो आई बन जाएगा फाइव थ्री जो फिफ्टीन रूट फाइव टू जर टेन अपॉन एटीन अब आप देख सकते हैं इसका जब ये आंसर आया है तो इसमें ये ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी इरेशनल है और नीचे वाला रैशनल है मगर हमारा जो हम रैशनलाइज़ेशन uh, की प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल नहीं हो सकता न्यूमरेटर इरेशनल न्यूमरेटर इरेशनल चलेगा तो इसीलिए ये रैशनल प्रॉपर्टी के हिसाब से करेक्ट है तो अब हम अब हम एग्जांपल्स लेंगे जिसमें हमारा न्यूमरेटर भी इरेशनल होगा और न्यूम डिनोमिनेटर भी इरेशनल होगा फर्स्ट वाले के न्यूमरेटर की तरह तो चलिए शुरू करते हैं अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया है जिसमें दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इरेशनल होंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन है सिक्स माइनस रूट फाइव सिक्स प्लस रूट फाइव तो इसके लिए हमारा डिनोमिनेटर सिक्स प्लस रूट फाइव है और प्लस है तो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है सिक्स माइनस रूट फाइव अपॉन सिक्स माइनस रूट फाइव हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे हम हम यहाँ पे सिक्स माइनस रूट फाइव और सिक्स माइनस रूट फाइव अपॉन सिक्स प्लस रूट फाइव अप ऑन ब्रैकेट सिक्स माइनस रूट फाइव अब हम अगर देखें ए माइनस बी ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी बेसिकली ए माइनस बी ए माइनस बी दो बार होगा तो वो हो जाएगा ए माइनस बी होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी इसका मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर था है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सो ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर सो इसका मतलब हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो अब हम निकालते हैं आंसर सिक्स माइनस फाइव सिक्स प्लस फाइव सो ए स्क्वायर हो जाएगा हमारा सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स माइनस टू इंटू सिक्स इंटू रूट फाइव और फिर प्लस रूट फाइव होल स्क्वायर अपॉन सिक्स स्क्वायर माइनस रूट फाइव होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा थर्टी सिक्स माइनस सिक्स टू द ट्वेल्व रूट फाइव प्लस फाइव अपॉन सिक्स इज थर्टी सिक्स माइनस फाइव सो थर्टी सिक्स माइनस ट्वेल्व रूट फाइव प्लस फाइव अब हम ले सकते हैं यहाँ पे थर्टी सिक्स प्लस फाइव माइनस ट्वेल्व रूट फाइव अपॉन थर्टी सिक्स माइनस फाइव करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्टी वन सो अब क्या है थर्टी सिक्स प्लस फाइव कर देंगे हम थर्टी सिक्स में फाइव जोड़ देंगे जो कि so, आ जाएगा फोर्टी वन सो फोर्टी वन माइनस ट्वेल्व रूट फाइव अपॉन थर्टी वन हमारा नंबर आ जाएगा इसमें हमारी ये दोनों रैशनल rational, रैशनलाइज हो गया है हमारा क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा डिनोमिनेटर रैशनल होना चाहिए और न्यूमरेटर से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो रैशनल हो या इ हो तो अब बारी आ गई है होमवर्क की तो चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूँ तो दोस्तों मैंने आपके लिए सिक्स क्वेश्चन बना लिए हैं मैं आपको एक एक पढ़ के बताता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा एलेवन अपॉन फोर माइनस रूट एट सेकेंड क्वेश्चन होगा हमारा टेन अपॉन एट माइनस रूट सेवन थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा रूट ट्वेंट टू वन सिक्स अपॉन रूट वन फोर सेवन फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा रूट थ्री फोर थ्री अपॉन रूट वन सिक्स टू फिफ्थ क्वेश्चन होगा हमारा सेवन माइनस रूट एट सेवन प्लस रूट एट सिक्स क्वेश्चन होगा हमारा एट प्लस रूट सेवन एट माइनस रूट सेवन ये बहुत स्पेशल क्वेश्चन है मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के डिज़ाइन किया है इस क्वेश्चन को पक्का ट्राई कीजिएगा और इसी के साथ आपसे विदा लेने का वक्त आ गया मेरा जल्द ही इसकी होम होमवर्क प्रैक्टिस या फिर क्वेश्चन के सोल्यूशन लेके मैं आपके साथ मिलूंगा आपका दोस्त प्रियांश तब तक के लिए गुड बाय